देखो टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में टोटल एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है कि जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो तो टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इस एनर्जी से हमें काइनेटिक और पोटेंशियल निकालना है, तो इस एनर्जी से हमें काइनेटिक और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं एक फार्मूला आपको बताऊं, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। ये ग्रेविटेशन और मॉडर्न फिजिक्स में इधर बहुत काम का फार्मूला है। तो अभी क्या निकालना बोलो? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना? -3.4, और माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस ने माइनस को खा गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, या तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी, वैसे भी यार ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता। वैसे देखो इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक बच्चा कॉन्सेप्ट जानता है तो इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है, तो या तो ये सही है या तो ये सही है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव दिया, मतलब सी ऑप्शन सही है। इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। अगर ये फार्मूला किसी को याद नहीं है, भूल जाता, तो ये तो ऑब्वियसली बिना किए भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो चलो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का डबल होगा, 2 टाइम्स, तो टोटल एनर्जी कितना है? -3.4, और ये मल्टीप्लाइड बाई 2, तो -6.8 इलेक्ट्रोवोल्ट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को आप बेसिकली दो मेथड से कर सकते हो, एक तो कॉन्सेप्ट से कर सकते हो साइन से बिना ये सब किए हुए, और दूसरा कर सकते हो ये रामायण कहानी।